इंदौर मध्य प्रदेश का एक व्यावसायिक नगर ही नहीं, बल्कि अनेकों प्राचीन, ऐतिहासिक, सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिरों का नगर भी है। और ऐसे ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों की लिस्ट में से एक है इंदौर का बिजासन माता मंदिर। यह मंदिर इंदौर के एयरपोर्ट के ठीक पास ही में एक छोटी सी टेकरी पर बना हुआ है। दूर दूर से आने वाले माता के भक्तों की भीड़ यहाँ बारहों मास लगी रहती है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि धार्मिक स्थलों की मान्यताओं और ऐतिहासिक जानकारियों से संबंधित मेरे और भी इस तरह के आने वाले कई वीडियोस को भी आप देख सकें। तो बिजासन माता के इस मंदिर में भी कटरा के वैष्णो देवी मंदिर में स्थित मूर्तियों के समान ही माता की पाषाण पिंडियां विराजित हैं। ये मूर्तियां यहाँ कब से प्रतिष्ठित हैं, इस बारे में कोई विशेष पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण या जानकारी मौजूद नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में माता बिजासन के 9 स्वरूप विद्यमान है। पुजारियों का मानना है कि माता की ये पिंडियां सैकड़ों सालों से इसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जिनकी यहाँ के निवासी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पुजारियों का यह भी मानना है कि ये पिंडियां स्वयंभू हैं। इस मंदिर की खोज के विषय में हालांकि कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि किसी समय में यहाँ का घना जंगल काले हिरणों का जंगल हुआ करता था, और मराठा वंश से संबंधित होलकर राजघराने के सदस्य यहाँ अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे। बताया जाता है कि सन 1760 में ऐसे ही एक दिन महाराजा शिवाजी होलकर भी इस जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें यहाँ एक प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई दिए, जिसके बाद से आसपास के लोगों ने यहाँ पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी। जबकि कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर में हजारों सालों से पूजा होती आ रही है, और उन दिनों में यहाँ पौराणिक काल में बने हुए एक मंदिर के अवशेष भी देखे जाते थे, जो समय के साथ साथ मिट्टी और पत्थरों के एक अस्थायी चबूतरे में बदल चुके थे। और क्योंकि यहाँ आसपास का जंगल बहुत ही घना हुआ करता था, इसलिए यहाँ श्रद्धालु आसानी से नहीं आ पाते थे और अक्सर रास्ता भटक जाते थे। लेकिन इंदौर के महाराजा शिवाजी होलकर ने सन 1760 में जब यहाँ मराठा शैली में एक स्थायी मंदिर का निर्माण करवा दिया, तभी से यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या भी बढ़ने लगी। सन 1760 में बने उस मंदिर में सन 1920 में एक बार फिर से जीर्णोद्धार करवाया गया, और भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर तक आने जाने के रास्तों को भी स्थायी बनाया गया। बिजासन माता को सौभाग्य और संतान दायिनी माता कहा जाता है। इसके चलते विवाह के बाद यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से नवयुगल माता के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। यहाँ प्रचलित किंवदंतियां बताती हैं कि अल्लाउदल ने भी मांडू के राजा को हराने के लिए माता से मन्नत मांगी थी। इसके अलावा यहाँ यह भी माना जाता है कि तंत्र मंत्र और अनेकों प्रकार की सिद्धियों के लिए भी इस मंदिर की एक विशेष पहचान है। मंदिर में हर नवरात्र के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र में माता को देश की सबसे लंबी चुनरी चढ़ाई जाती है, साथ ही यहाँ मंदिर में 9 दिनों तक मेला भी लगता है। एक अनुमान के मुताबिक नवरात्र के दौरान यहाँ देश भर से लगभग 4 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। इन दिनों में यहाँ सूरज उगने से पहले ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। दूर दूर से आने वाले भक्तों की भीड़ बारहों मास लगी रहती है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ मांगी मुरादें अवश्य पूरी होती है। माता की टेकरी के ऊपर से इंदौर शहर का मनोरम दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। मंदिर के पास ही की अन्य टेकरियों पर गोमटगिरी और हिंकारगिरी नामक पवित्र जैन स्थल भी हैं, जहां हर साल चतुर्मास के समय जैन मुनि आते हैं। माता के इस मंदिर में अनेकों प्रकार के विकास कार्य स्थायी प्रशासन की विभिन्न योजनाओं के तहत आज भी किए जा रहे हैं, जिसमें मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम प्रमुख है। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में और अधिक पर्यटकों और भक्तों की भीड़ समा सके, इसके लिए यहाँ स्थायी रूप से समाधान खोजा जा रहा है। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित माता के इस मंदिर से रेलवे स्टेशन लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर शहर देश के एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई से जुड़ा हुआ है। आप देश के किसी भी हिस्से से यहाँ सड़क, रेल या वायु मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। यह मंदिर इंदौर एयरपोर्ट से महज 2 मिनट की दूरी पर स्थित है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी।
और अगर आप लोगों को मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।